आप मेहनत करें, वो बुराइयों के लिए मेहनत करते हैं, तो आप हुजूर की खत्म नबुवत का मसला लोगों को नहीं समझा सकते? क्यों? हुजूर ने खुद इतनी बड़ी गवाही दी। कोई बंदा बक बक करे ना कि यार लबैक वाले हर वक्त खत्म नबुवत की क्यों बात करते हैं, तो उनको कहना है हुजूर ने गवाही जो इतनी बड़ी दी, हुजूर ने फरमाया इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसलमत कज़्ज़ाब। हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूं। कितनी? फरमाया दुनिया के अंदर मिट्टी के जर्रों की तादाद के बराबर। हुजूर ने फरमाया मैं खुद गवाही देता हूं। क्या गवाही देता हूं? कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। हुजूर फिर इश्क तो यह है ना, आला हजरत ये हदीस लिखने के बाद कहते हैं इश्क ये नहीं होता मैं अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल हूँ, आशिक वो होता है जो अपना फिर बताए कि मेरे अंदर कितना इश्क है। आला हजरत ने जब ये हदीस नकल की ना कि हुजूर ने फरमाया मैं दुनिया के अंदर मिट्टी के जर्रों की तादाद बराबर गवाही देता हूँ कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो आला हजरत कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह आलम पनाह का अदना कुत्ता अपने बारे में आला हजरत ने कहा। हुजूर तुसी ते ए गवाही दिती ना कि दुनिया के अंदर मिट्टी के जर्रों की तादाद के बराबर मैं गवाही देता हूं कि मेरे बाद नबी ने नहीं आना। अर्ज की थी हुजूर आपकी बारगाह का अदना कुत्ता अहमद रजा क्या कहता है, बेअदद अनहाए रेग व सतारा हाय आसमान और मेरे साथ मलाइका समावात वल अर्द भी और हामिलान अर्श भी गवाह है और खुद अर्श अजीम का मालिक भी गवाह है। वकफा बिल्लाह शहीदा। हुजूर तुसी ते फरमाया ना मिट्टी के जर्रे की तादाद के बराबर, तो आपके दरबार का अदना कुत्ता अहमद रजा कहता है हुजूर दुनिया के अंदर जितनी रेत है रेत के जर्रों की तादाद के बराबर अहमद रजा भी गवाही देता है। ये इश्क है। मैं भी हुजूर को खातमुन नबीयीन मानता हूं। मैंने कहा यह अंदाज है खातमुन नबीयीन मानने का। हुजूर तुसी ते मिट्टी दे जर्रे दी तादाद दे बराबर गवाही दीती ना, ते आपकी बारगाह आलम पनाह का अदना कुत्ता अहमद रजा कहता है हुजूर दुनिया के अंदर रेत के जर्रों की तादाद के बराबर मैं भी गवाही देता हूं। व सतारा हाय आसमान, हुजूर आसमान के जितने सितारों की तादाद है ना उस तादाद के बराबर अहमद रजा गवाही देता है और जितने आसमान और जमीन के अंदर फरिश्ते हैं उनकी तादाद के बराबर अहमद रजा गवाही देता है और वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं उनकी तादाद के बराबर भी गवाही देता है। तो या रसूल अल्लाह मैं तन्हा नहीं हूं, खाले को मालिक भी गवाही देता है कि आपके बाद किसी नबी ने नहीं आया। ये ताज धारे खत्मे नबुव्वत, ताज धारे खत्मे नबुव्वत, ताज धारे खत्मे नबुव्वत। ये कहती है बोल बदसो जी किधर एक से मैं 1400 साल किसी फकीर किसी आलिम किसी सूफी किसी मुहद्दिस का मैंने खत्मे नबुव्वत पर ये नजरिया नहीं पढ़ा जो इमाम अहमद रजा ने बयान किया। अगर कोई बयान करेगा मुझे बताएगा तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैंने बड़ी बड़ी किताबें खोली खत्म नबुव्वत पर जो इमाम अहमद रजा बात कर गया ऐसे ही नहीं पर कर गया। ये कहती है बुलबुल बागे जना कि रजा की तरह कोई सेहरे बयो नहीं हिंद में वासिफ शाह खुदा, मुझे शोखी ये तबा रजा की कसम। आला हजरत कहते हैं मुझे अल्लाह ने इतनी अपने हबीब की मदा सराई में इतना कबूल कर लिया है कि जन्नत के अंदर बुलबुलें जब एक दरख्त से दूसरी दरख्त की तरफ जाती है ना तो ये नगमा जरूर पड़ती है कि सब ने बरे सगीर में हुजूर की इज्जत की बात की लेकिन जो अहमद रजा ने की वो किसी ने नहीं की। क्यों हुजूर कदर पढ़े आपने बेअदद अनहाए रे व सतारा हाय आसमान और मेरे साथ मलाइका समावात वल व हामिलान अर्श भी गवाह है और खुद अर्श अजीम का मालिक भी गवाह है जिसकी गवाही के बाद किसी गवाही की जरूरत भी नहीं है। वकफा बिल्लाह शहीदा कि हुजूर आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। यह है जी खत्म नबुवत का मसला जिस पर शाह जी को निकाला गया और जिस पर हमने 8 शहीद दिए।